फ्रेंड्स, रेलवे ने एएलपी के एग्जाम का CBT 1 का जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की जब से रिलीज किया है तब से बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। पहली गलती तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने आंसर की गलत दिया, यानी पहली जो आंसर की रिलीज किया गया था उसमें काफी ज्यादा गलतियां थी। उसके बाद उन्होंने सही करके एक नया फिर से आंसर की रिलीज किया, वो आपको 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में दिखाया गया था। यानी आप 21 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर के बीच में आप किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन इशू किया दोस्तों, जिसमें उन्होंने बताया कि आपको RRB का बोर्ड चूज करना है, यानी किस बोर्ड है रेलवे रिक्रूटमेंट के, उसमें आपको एक बोर्ड सिलेक्ट करना है। उस बोर्ड में आपके लिए जितना पार्टिकुलर सीट्स है, पोस्ट है, उसके लिए प्रेफरेंस देना है। दोस्तों, जब से ये नोटिस आया तब से बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि आखिर उन्हें कौन सा बोर्ड सिलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, कुछ बच्चों का नंबर 20 भी है, किन्हीं का 25 है, किन्हीं का 30 है, लेकिन दोस्तों ये जो नंबर आ रहे हैं ना, बच्चों काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। बच्चों को पता चल गया कि आप उनका कितना नंबर है, उसके बाद बोर्ड चूज करना इसलिए कंफ्यूजन है कि आखिर उन्हें लगता है कि बाय द वे मैंने सिकंदराबाद बोर्ड चूज किया और यहाँ बगल में मैं पटना का रहने वाला हूँ और सिकंदराबाद बोर्ड चूज किया, वहां का कट ऑफ चला गया कितना, बाय द वे OBC का 35 चला गया और मैं पटना का रहने वाला हूँ, पटना का 30 चला गया। अब इनमें जो जिनका 32 मार्क्स 33 मार्क्स होगा वो तो फंस जाएंगे ना दोस्तों, वो इसलिए फंस जाएंगे कि उन्हें पता है कि एक दो नंबर से गलतियां हो सकती है, मेरी गलती से मेरा सिलेक्शन रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, गलती से मैंने सिकंदराबाद सिलेक्ट कर लिया और पता चला कि पटना का कट ऑफ लो चला गया, इसलिए बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। कई बातों को लेकर कंफ्यूजन बच्चों में ज्यादा है दोस्तों, लेकिन इन सब कंफ्यूजन को दूर रखिए, कोई एक बोर्ड डिसाइड कीजिए जहां से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जो नंबर है, बहुत लोगों का सोच है कि साउथ इंडिया के जितने बोर्ड हैं जैसे बंगलोर, सिकंदराबाद, चेन्नई, इनका कट ऑफ काफी कम जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहले भी इनका कट ऑफ काफी कम जाता था दोस्तों, लेकिन पिछला जो NTPC का एग्जाम हुआ था उसमें काफी ज्यादा अंतर आ गया दोस्तों। जिसका कट ऑफ कम जाता था सिकंदराबाद, चेन्नई का, उनका कट ऑफ नॉर्मल गया था दोस्तों। जो पटना, मुजफ्फरपुर, रांची, इन लोगों का कट ऑफ है उसके आसपास गया था दोस्तों। एक बोर्ड है तिरुवनंतपुरम का कट ऑफ काफी कम जाता है दोस्तों, लेकिन NTPC के एग्जाम में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी का चला गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका कट ऑफ काफी कम जाता था लेकिन बहुत से बच्चों ने अप्लाई कर दिया, इसलिए इसका कट ऑफ 44 या 45 के अप्रोक्स चला गया दोस्तों। क्योंकि यहाँ से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया इसलिए इसका कट ऑफ काफी ज्यादा चला गया दोस्तों। इसलिए आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस बोर्ड से भरना है दोस्तों। लेकिन एक बात आपको बता दे दोस्तों कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये बता रहे हैं कि जिनका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रेलवे की तरफ से दिया गया 40%, 30% जो भी दिया गया है उनसे ज्यादा है, उन्हें सिलेक्शन हो जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो। ये बिल्कुल गलत मैसेज है दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि किनका सिलेक्शन होने वाला है। यदि जितना मैं बताऊंगा उसके आसपास भी आपका नंबर है तो आप सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों, आप अच्छे से बोर्ड सिलेक्ट कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CBT 2 के लिए कितना नंबर चाहिए, डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, पूरा वीडियो, इसलिए आप पूरा देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। 2018 का सिलेक्शन प्रोसेस 2014 के सिलेक्शन प्रोसेस से काफी ज्यादा डिफरेंट था दोस्तों। 2014 में सिंगल एग्जाम था दोस्तों, ठीक है, सिंगल एग्जाम था जिसमें 8 गुना बच्चों को साइकिल के लिए बुलाया जाता था। लेकिन 2018 में काफी ज्यादा कुछ चेंजिंग हो गया दोस्तों। इसमें आपको CBT 1 लिखना है, CBT 1 में जो लोग पास करेंगे उन्हें CBT 2 लिखना है। CBT 2 में 2 पेपर है, पार्ट ए पार्ट बी। जिन लोगों का पार्ट ट्रेड पेपर है, ट्रेड में जो क्वालिफाई करेंगे वही लोग मेरिट पेपर लिख पाएंगे, जो मेरिट के लिए बना पेपर है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, जिन लोगों का ट्रेड क्वालिफाई करेंगे वो भी लिख पाएंगे अगले एग्जाम, लिखेंगे तो एग्जाम दोनों, लेकिन जिन लोगों का ट्रेड क्वालिफाई हो जाएगा, ट्रेड क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, OBC, SC, ST मायने नहीं रखता। उसके बाद यदि आपने 35% मार्क्स लाया तो आपका पार्ट ए जो मेरिट लिस्ट वाला पेपर है, जनरल स्टडी, साइंस, मैथ, रीजनिंग जो है, उसका पेपर चेक किया जाएगा, उसी पे मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों। तो यहाँ 3-3 एग्जाम हो गए, चौथा जो एग्जाम है साइको जो आपका बना बचा हुआ दोस्तों, ये पहले भी था और अब भी है। साइको में 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा CBT 1 के बाद, CBT 1 में 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स किया गया रेलवे की तरफ से वो जनरल कैटेगरी के लिए 40% 30 मार्क्स का है। आपको पता होगा दोस्तों कि CBT 1 में 75 मार्क्स का एग्जाम हुआ था,
ओबीसी के लिए 30% 22.5 मार्क्स, एससी के लिए 30% 22.5 मार्क्स और एसटी के कैंडिडेट के लिए 25% जो 18.75 मार्क्स है। दोस्तों जिन लोगों का मार्क्स इन मिनिमम क्वालिफिकेशन से ज़्यादा आएगा उन्हीं का मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों, लेकिन रेलवे को 15 गुना कैंडिडेट चाहिए दोस्तों, इसलिए कटा भी कुछ इसी के अनुसार बनेगा दोस्तों, वो आगे मैं इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए दोस्तों टोटल वैकेंसी 2018 का जो वैकेंसी था 64,371 था, कितना 64,371 लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो रेलवे ने दिया था उसके अनुसार। पहले ये अप्रोक्स 27,000 था लेकिन इसे बढ़ा करके 64,371 कर दिया गया। एडवर्टाइजमेंट में उसने बताया कि 15 गुना सिलेक्शन किया जाएगा CBT1 में, ठीक है। टोटल अप्लीकेशन था 47,58,000 लगभग। एग्जाम का जो लेवल था काफी डिफिकल्ट था दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा काफी कम मार्क्स आ रहा है दोस्तों बच्चों का। अटेंडेंस 76.76% यानी 36 लाख लोगों ने लगभग एग्जाम अटेंड किया है दोस्तों। जिन लोगों ने एग्जाम अटेंड किया है उन्हीं का फिर रिफंड किया जाएगा दोस्तों, बाकी का जो पैसा लगा हुआ था वो डूब जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको बताया गया कि CBT 2 के लिए 15 गुना लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा। 64,371 टोटल यानी 64,371 टोटल वैकेंसी है, उसमें 15 टाइम्स रिजल्ट दिया जाएगा CBT 1 के लिए, जो लगभग 9,65,565 होता है दोस्तों। यही वैकेंसी 2014 में 26,570 था, जिसका 8 गुना साइको के लिए बुलाया गया था, जो लगभग 2,12,560 था दोस्तों। दोस्तों इसमें भी साइको के लिए बुलाया जाएगा, 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, जिसके बाद आप समझ सकते हैं 64,371 जो वैकेंसी है उसका 8 गुना तो नहीं दोस्तों, क्योंकि जितना ALP का वैकेंसी कितना है 27,000 अप्रोक्स अभी भी ALP का है, बाकी 36,000 जो वैकेंसी है टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए। तो जितना का आपको पता होगा दोस्तों कि टेक्नीशियन पोस्ट के लिए कोई भी साइको नहीं होता है, तो जिन जो लोग साइको के लिए टेक्नीशियन पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे उनके लिए कोई साइको नहीं है, जो लोग ALP के लिए क्वालिफाई करेंगे उनके लिए 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 27,000 को 8 से गुना कर दीजिए, जितने लोग होते हैं उनको बुलाया जाएगा साइको के लिए दोस्तों। ये पहले भी था और अब भी है, लेकिन टेक्नीशियन के लिए कोई साइको नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक बात और दोस्तों कि पहले में वेटिंग लिस्ट नहीं दिया जाता था, इस साल से 1.5 टाइम्स यानी 1.5 गुना वेटिंग लिस्ट बनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहले वेटिंग लिस्ट नहीं बनता था, अब 1.5 गुना वेटिंग लिस्ट बनाया जाएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, काफी ज्यादा एनालिसिस के बाद दोस्तों, जैसे पागल गाय एक डिस्कशन फोरम है दोस्तों, वहां से सोशल मीडिया से और यूट्यूब के बहुत सारे चैनल से जो कमेंट आया, लगभग 2 से 3 हजार कमेंट का अध्ययन किया गया दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है दोस्तों कि उनका कमेंट कुछ कम बेस हो, लेकिन कट ऑफ उसी के आधार पर बनाया गया दोस्तों। 2014 का कट ऑफ पहले देखते हैं, 2014 में जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था 52.77 था, ठीक है, और जो 2018 का जाने वाला 35 से 40 के बीच में जाने वाला है दोस्तों, आपको पता 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों लगभग सभी बोर्ड के लिए एक ही जाने वाला दोस्तों, हो सकता है जो मैं यहाँ जैसे आपको 2018 के लिए मैंने 35 से 40 बताया, वो 40 नहीं 41 जाए, 35 से 36 40 बताया, इसलिए हो सकता है 34 भी जाए, लेकिन मान के चले दोस्तों यही कट ऑफ अप्रोक्स रहने वाला है, ठीक है। जैसे आपको पता है दोस्तों कुछ बोर्ड हैं जैसे चेन्नई, बंगलोर, सिकंदराबाद, इन सब बोर्ड के कट ऑफ काफ़ी कम जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक एक्सेप्शनल बात आपको बता दूं, NTPC एग्जाम जो 15 का था, 2015 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें मालदा बोर्ड का जो मेंस का कट ऑफ था मालदा बोर्ड का, वो सबसे कम गया था, 56 मार्क्स मालदा बोर्ड का गया था। लेकिन PT इसका मेंस में सबसे कम किसका गया था, मालदा बोर्ड का, लेकिन PT में पटना और मुजफ्फरपुर का सबसे कम गया था, किसका गया था, पटना और मुजफ्फरपुर का। लेकिन मेंस में ये भी लगभग सभी इक्वल हो गया था दोस्तों, आपको मेंस में जाके लगभग 70 पहुंच ही गया था दोस्तों, ठीक है। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग था। इस बार जो OBC का जो 2018 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 32 से 36 जाने वाला है, SC के लिए 30 मार्क्स और ST के लिए 25 से 28 मार्क्स जाने वाला दोस्तों। लेकिन दोस्तों उन लोगों के लिए वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी देने वाला है जिन लोगों ने ITI कर रखा है दोस्तों, ITI कर रखा है उनके लिए आपको बता दें दोस्तों कि लगभग 31,000 से पोस्ट जो है रिजर्व है दोस्तों उनके लिए, ITI वालों के लिए, इसलिए उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होने देने वाला है एग्जाम, इसलिए उनका सिलेक्शन का जो परसेंटेज है ज़्यादा है
उनका सिलेक्शन होने का चांसेस काफी ज्यादा है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक बात बता दो दोस्तों कि आप निश्चिंत होकर कोई एक बोर्ड चूज कीजिए, आपको जो सुविधा लगे वो चूज कर लीजिए। कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि आपने चेन्नई चूज किया है, अलाहाबाद चूज किया है या कोई सिकंदराबाद आपने चूज किया है दोस्तों, क्योंकि आपको पता नहीं दोस्तों किस बोर्ड का कट ऑफ कम जाएगा, किस बोर्ड का कट ऑफ ज्यादा जाएगा। इसलिए आप सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, आपको जो अच्छा लगे, जो भी जिसमें भी लगे कि आपका कट ऑफ कम जाने वाला है उसमें आप भर दीजिए। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया दोस्तों कि एनटीपीसी में जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें मालदा का कट ऑफ सबसे कम गया था 56, बाकी का लगभग 70 प्लस ही था दोस्तों, मेंस का 70 प्लस था किसी लगभग का मोस्ट, लेकिन मालदा कट ऑफ सबसे कम चला गया 56। एक बोर्ड है दोस्तों जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम, जिसका कट ऑफ भी काफी कम ज्यादा था क्योंकि साउथ इंडिया में है, लेकिन जो एनटीपीसी मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मेंस का सबसे ज्यादा कट ऑफ वो गया था, वो था तिरुवनंतपुरम का 85 अप्रोक्स था दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए, सबसे ज्यादा यानी जिसका सबसे कम ज्यादा था उसका सबसे ज्यादा चला गया। ये समस्या है दोस्तों, इसलिए आप कोई बोर्ड चूज कीजिए, आपको जो सुविधा लगे, आपको अपना आप जहाँ रहते हैं वहां से जो नजदीक है वहां चूज कीजिए, आपको लगे कि आपने उस एनवायरमेंट में सेटअप